जूडो प्लेयर, टेनिस खिलाड़ी और मिस डेफ एशिया 2018, ये सारी उपलब्धियां हैं निष्ठा डुडेजा की। निष्ठा बचपन से सुन नहीं सकती, लेकिन इससे उनके हौसलों में कभी कमी नहीं आई। 5 साल की छोटी उम्र से निष्ठा ने जूडो और 10 साल की उम्र से टेनिस खेलना शुरू किया। तीन बार वो इंडिया को इंटरनेशनल मैच में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। 2013 में ओलंपिक्स फॉर डेफ बुल्गेरिया में, 2015 में वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप और 2017 में तुर्की में डेफ ओलंपिक्स में। लेकिन जबड़ों में दर्द की वजह से उन्हें टेनिस छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट कर बिखर गई। पर निष्ठा ने हार नहीं मानी और कुछ तूफानी करने की ठानी। बस फिर क्या, निकल पड़ी एक नई मंजिल की ओर। साल 2018 ने मिस डेफ एशिया में पार्टिसिपेट किया और खिताब भी जीता। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था, पर निष्ठा इन चुनौतियों को रौंदते हुए आगे निकली और अपने लिए रास्ते बनाए। निष्ठा के इस सफर में उनके माता पिता ने उनका पूरा सहयोग दिया। उन्होंने निष्ठा को नेगेटिव बातों से डट कर सामना करना सिखाया। आज निष्ठा कई डेफ बच्चों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। इसके लिए उन्हें साल 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति की ओर से रोल मॉडल कैटेगरी में डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। निष्ठा जिंदगी के पॉजिटिव पहलू को देखते हुए अपनी जर्नी में हर दिन आगे बढ़ रही हैं और आज वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में निष्ठा पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहती हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।